ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनआईटी हमीरपुर में भर्तियों में धांधली के मामले ने तूल पकड़ ली है और मामले को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक राजेंद्र राणा ने एमएचआरडी मंत्री को भी लिखित पत्र लिखकर भर्तियों में 95% बाहरी लोगों को रखने के मामले की शिकायत की है। एनआईटी हमीरपुर में भर्तियों में धांधली के मामले ने तूल पकड़ ली है और मामले को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक राजेंद्र राणा ने एमएचआरडी मंत्री को भी लिखित पत्र लिखकर भर्तियों में 95% बाहरी लोगों को रखने के मामले की शिकायत की है। वहीं डायरेक्टर एनआईटी प्रोफेसर विनोद यादव ने विधायक राजेंद्र राणा के आरोपों को सिरे से नकारते हुए भर्तियों को नियमों के तहत होने की बात कही है। एनआईटी हमीरपुर में भर्तियों में धांधली को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा द्वारा आए दिन की जा रही बयानबाजी पर एनआईटी डायरेक्टर विनोद यादव ने सिरे से खारिज किया है। यादव ने कहा कि एनआईटी में भर्ती प्रक्रिया एमएचआरडी और बीओडी के निर्देशानुसार की जाती है और इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाती है। उन्होंने विधायक राजेंद्र राणा पर झूठे आरोप लगाने की बात कही है। हमने तो न्यूज़पेपर में कुछ सूचनाएं पढ़ी जिसके बारे में, और उसमें जो भी लिखा था वो निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। संस्थान पूरी पारदर्शिता के साथ एमएचआरडी के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, एक्ट और एनआईटी एक्ट और एनआईटी इंस्टीट्यूट है, उसके तहत बीओजी के प्रॉपर अप्रूवल के साथ जो है सारे अपॉइंटमेंट किए गए हैं। उसमें किसी तरह का कोई और स्कोप नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है और वो अच्छा। हम टोटल बता दिए कि पूरी जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है वो नियमों के तहत एमएचआरडी के गाइडलाइंस से प्रॉपर कमेटियों से अप्रूवल लेते हुए फिर किया गया, और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में इसके अलावा कोई भी कंसीडरेशन किसी का नहीं किया गया है और न हमारे रिक्रूटमेंट रोल में उसका कोई स्थान नहीं। मैंने जो भी न्यूज़पेपर में, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर और किसके बीच बात हुई है, न्यूज़पेपर में जो हमको पढ़ने को मिला उन सूचनाओं में कोई सत्यता नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रदेश को हम कहें कि गुणवान लोग किसी प्रदेश में हो सकते हैं, किसी स्थान पे हो सकते हैं, किसी लेवल पे हो सकते हैं। तो ये नहीं मैं कह सकता कि किसी भी पर्टिकुलर प्रदेश में गुणवत्ता की कमी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उसमें किसी प्रदेश है उसका नहीं है। जहां से भी गुणवान लोग मिलेंगे और उस प्रक्रिया में आएंगे उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है और होता रहेगा। वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने एनआईटी में भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और कहा कि भर्तियों में 95% लोग बाहरी राज्यों से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि एनआईटी में डायरेक्टर की मनमानी के लिए एमएचआरडी मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भर्तियों के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की है। एनआईटी के मुद्दे को लेकर मैं पहले भी कई बार इस इशू को उठा चुका हूं और मैंने पहले भी इशू उठाया है कि एनआईटी में जो भर्तियां लेक्चरर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हुई हैं उसमें 95% लोग बाहर के रखे गए हैं। और इसके अलावा मैंने बार बार इस इशू को उठाया है कि जो क्लास 3 और क्लास 4 में लोग काम कर रहे हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तभी एक कर्मचारी ने वहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। और ये जो हमीरपुर और इसके आसपास के लोग काम कर रहे हैं ये अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एचआरडी मिनिस्ट्री को भी लिखा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि आप इसमें पर्सनली इंटरवीन करें, क्योंकि इससे पहले भी कई डायरेक्टर्स यहाँ पर काम करके गए हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों को हमेशा तरजीह मिलती रही है। और ये जो जब से नए डायरेक्टर आए हैं तब से यूपी के लोगों की यहाँ भर्ती की जा रही है। तो मैं बार बार इस इशू को उठा रहा हूँ, मैंने सीबीआई से मांग की है कि क्या वजहें रही हैं, क्या कारण रहे हैं कि एक फोर्थ क्लास का एम्प्लाई जो है उसको सुसाइड करने की जरूरत पड़ गई। मैंने इस इशू को बार बार उठाया है और मैंने ये कहा कि पहले भी भर्तियाँ होती रही है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को दरकिनार करके बाहर के लोग रखे जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे। तो इस इशू को बार बार उठाया है हमने और मैं सरकार से फिर से दरखास्त करता हूँ कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसमें इंटरवीन करे। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोकल सांसद हैं और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं, उनको चाहिए था कि इस पर्सनल इंटरव्यू करते, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको मुझे लगता है कि लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है।
और बार बार ये लोग जो हैं आवाज उठाते रहे हैं, लोगों को डराया गया, धमकाया गया और नौकरी से बाहर करने की जो कई बार धमकियां दी गई, तो मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार इंटरवीन करे और मेंबर पार्लियामेंट जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं उनका यहाँ के लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। गौरतलब है कि हमीरपुर NIT में नौकरियों में धांधली को लेकर सुजानपुर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भर्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पिछले कुछ समय में NIT में 35 से ज्यादा पदों में गैर हिमाचलियों को प्राथमिकता दिए जाने पर भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई हैं।